गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं मनु गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल स्किल्स में। स्टूडेंट्स, आज में हमारा जो टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकंड ईयर का भी है और जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उनके जो लर्निंग है टीचिंग है उसमें भी ये टॉपिक है और जो उनके टीचिंग सब्जेक्ट है उनमें भी ये वाला टॉपिक है। तो देखते हैं हम कौन सा टॉपिक है। असेसमेंट अप्रोचेस जो बीएड सेकंड ईयर का है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, तो असेसमेंट अप्रोचेस के नाम से है। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जैसे लर्निंग एंड टीचिंग का सब्जेक्ट है उनका लास्ट टॉपिक है इवेल्युएशन का। उसमें इवेल्युएशन के टाइप्स हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एंड समेटिव इवेल्युएशन। तो ये वाला टॉपिक उनके लिए भी हेल्पफुल है या उनके टीचिंग सब्जेक्ट है उनमें भी इवेल्युएशन का टॉपिक है। तो दोनों ही ईयर के स्टूडेंट इस टॉपिक को ध्यान से देखना। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, यानी कि निर्माणात्मक आकलन या निर्माणात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन या आकलन। ये दोनों ही जो असेसमेंट है, दोनों ही इवेल्युएशन है, वो सीसीई पैटर्न पर आधारित है। सीसीई पैटर्न के ही दोनों टाइप्स हैं। सीसीई पैटर्न क्या होता है? कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि बच्चे की स्टडी के साथ साथ उसके हर एक पक्ष का मूल्यांकन करना, उसका संवेगात्मक पक्ष, उसका नैतिक पक्ष, उसका शारीरिक पक्ष, यानी ओवरऑल स्टडी के साथ साथ हर 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंतर्गत या फिर जब उनके एनुअल सेमेस्टर है उस सेमेस्टर के अंतर्गत हर एक चीज का उनका इवेल्युएशन करना, उसे हम सीसीई पैटर्न कहते हैं, यानी कि सर्वांगीण पक्ष का उनका हर पक्ष का मूल्यांकन करना। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेटिव। फॉर का मतलब होता है कंटिन्यूस, यानी कि ये लगातार प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? फॉर्मेटिव यानी कि लगातार। इसमें टीचर क्या है, टीचर कैसे असेसमेंट करता है, कैसे उनका मूल्यांकन करता है कि या तो वो डेली का डेली उनका ऑरल कुछ ना कुछ जो भी उसने पढ़ाया है टीचर ने उनसे सुन लेगा, उस आधार पर उनका इवेल्युएशन करता है, या फिर हर 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंतर्गत उनका इवेल्युएट उनका असेसमेंट किया जाता है। यानी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है, क्लासरूम प्रोसेस है। जैसे ही टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो उसके बाद वो असेसमेंट करता है कि जो मैंने बच्चों को पढ़ाया समझाया सिखाया है वो बच्चों को किस हद तक और कितना समझ आया है। अगर उनको समझ नहीं आया तो वो उनके निदान कर उन कारणों को जानने की कोशिश करता है, डायग्नोस करता है और उसके बाद रेमेडियल करता है, उसका उपचार करता है। तो सबसे पहले इसकी फीचर्स देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर 5 दिन 10 दिन 15 दिन या हर एक दिन जो टेस्ट टीचर लेते हैं उसे ही हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो फीचर्स इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, यानी कि ये निदानात्मक और उपचारात्मक है। डायग्नोस्टिक यानी कि बच्चे की जो कमियां है उनका डायग्नोस करता है, उनका निदान करता है, उन कमियों की खोज करता है, उन कमियों को पहचानता है कि बच्चे की किस चीज में कमी है और कमी को खोजने के बाद तुरंत उसको बच्चे को बताया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट में कमजोर हो या आप इस चीज को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं। तो बच्चा जो है उसके बाद निदान करने के बाद उसका रेमेडियल यानी कि उपचार किया जाता है कि हाँ दूसरे मेथड से या फिर मेथड चेंज कर लिया जाता है टीचर का या फिर कोई भी टीचिंग सामग्री टीचिंग एड या बच्चा किस तरह पढ़ने सक्षम होता है उसी हिसाब से जो है टीचर उस मेथड को चेंज कर लेता है। फीडबैक यानी ये हर एक 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद जो इवेल्युएशन होता है असेसमेंट होता है तो तुरंत फीडबैक दी जाती है, फीडबैक मिलती है कि हाँ बच्चे ने जो टीचर ने जो बच्चों को समझाया है बच्चे को कितना समझ आया है। तो लगातार फीडबैक अगर मिलती जाएगी तो लर्निंग प्रोसेस भी नेचुरल सी बात है कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी बढ़ेगी, यानी इसमें अधिगम का स्तर भी बढ़ेगा क्योंकि जैसे ही हमें फीडबैक मिलती जाए तो टीचर को अपनी कमियों का भी पता चल जाता है और बच्चे की कमियों का भी पता चल जाता है कि बच्चा जो है किस सब्जेक्ट में कमजोर है, किस टॉपिक में कमजोर है, क्यों नहीं समझ पा रहा, तो वो अपने जो टीचिंग एड्स है उनको चेंज करने की कोशिश करता है। तो इसमें लगातार फीडबैक मिलती रहती है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लर्नर, इसमें लर्नर की जो स्टूडेंट होते हैं लर्नर की एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट होती है, जो लर्नर है बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं इसमें क्योंकि जो टीचर है तुरंत उनका असेसमेंट करता है उस चीज से रिलेटेड जो टीचर ने उनको समझाया है। तो लर्नर जो है एक्टिव होते हैं इसमें। डिटरमाइनिंग द कंटेंट्स,
इसमें क्या है, जो कंटेंट्स है नए नए विषय वस्तु में है, जो कंटेंट्स है नए नए शब्दों की खोज की जाती है। मान लो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया, उसमें कोई वर्ड ऐसा है जो बच्चों को समझ नहीं आया और उस वर्ड से रिलेटेड जो टीचर है नए नए शब्दों की खोज करके उनको समझाता है, जिसके कारण जो स्टूडेंट्स के अंदर जो मेंटल एबिलिटी और तर्क क्षमता का भी विकास होता है। डिटरमाइनिंग लर्निंग आउटकम्स, यानी कि लर्निंग आउटकम्स में चेंजेस होती है। लर्निंग आउटकम्स कैसे, कि जो लर्नर्स हैं उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आती है। बिहेवियर में चेंजेस कैसे, कि जो टीचर पढ़ाता है अब क्लास में है, बच्चे शोर कर रहे हैं, मान लो अचानक ही टीचर पढ़ाते समय ही उनसे क्वेश्चन पुट कर लिया कि हाँ ये बताओ, तो जो दूसरे बच्चे एकदम से शांत रूप में टीचर को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वो उनको पता होगा कि हो सकता है अब मेरी टर्न आ जाए। ठीक है, तो इससे क्या है, जो बिहेवियर है उसमें भी चेंजेस आती है, बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि प्रभावात्मक पुनर्बलन मिलता है। जैसे बच्चे ने एक आंसर दे दिए क्वेश्चन का, तो उसको टीचर कहता है वेरी गुड एक्सीलेंट, तो उसके कारण जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो भी मोटिवेट होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े। तो इसमें जल्दी से जो रीइंफोर्समेंट है हर एक चीज के लिए बहुत जरूरी है। जितनी ही रीइंफोर्समेंट मिलेगी, पुनर्बलन मिलेगा, तो बच्चे उतने ही एक्टिव होंगे। आगे देखिए हम इसके टूल्स कौन कौन से हैं। ओरल क्वेश्चन, यानी कि डेली अब मैंने लेसन पढ़ा दिए तो उसमें से क्वेश्चन पुट कर लूंगी, जा बोल दूंगी कल बच्चों आपने ये चीज याद करके लेकर आनी है, कल सुना जाएगा। ठीक है, तो ऑरल स्किल भी डेवलप होती है। असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जो बच्चों को एक यूनिट मान लो मैंने करवा दी, तो उसमें से मैं बोलूंगी कि आपने एक अच्छी तरह से एक क्वेश्चन बता लूंगी कि इसका आपने असाइनमेंट तैयार करना है। तो बच्चे क्या है, बुक्स से ढूंढेंगे, लाइब्रेरी से बुक्स उठाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो जिसके कारण उनकी जो मेंटल एबिलिटी विकसित होगी। कन्वर्सेशन स्किल ग्रुप, इसमें जो कन्वर्सेशन स्किल भी डेवलप होती है। मान लो एक क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो जो जब टीचर ने समझा दिया लेकिन एक बच्चे को अच्छी तरह समझ आ गया, तो टीचर उसकी ड्यूटी लगा देता है कि आप दूसरे बच्चों को भी अच्छी तरह से समझाओ। इस तरह क्या है कि आपस में जो स्टूडेंट आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। रोल प्ले, ड्रामेटिकल स्किल भी डेवलप होती है। रोल प्ले करते हैं बच्चे, एक बच्चे को हमने मॉनिटर बना दिया, हाँ ये बच्चा अच्छी तरह से क्वेश्चन देता है, तो उसको देखकर जो बाकी बच्चे हैं वो भी मोटिवेट होते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये रोल हमें भी मिलेगा, और टीचर भी कहता है कि नेक्स्ट टर्न आपकी स्टूडेंट होगी, आपको मॉनिटर बनाया जाएगा, आप ये वाला रोल प्ले करो। तो इसके कारण जो उनके अंदर है ड्रामेटिकल स्किल भी डेवलप होती है। प्रोजेक्ट, यानी कि टीचर जो है इसमें प्रोजेक्ट भी देता है, 5 दिन 7 दिन के अंतर्गत, कि आपको एक मैंने प्रोजेक्ट दे दिया, इस पर आपने काम करना है, इस पर वर्क करना है। तो जो बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए टॉपिक को सर्च करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें ढूंढेंगे। ठीक है, क्विज क्विज कॉम्पिटिशन भी होती हैं, कि हाँ आपका मंथली एक क्विज जो है निर्धारित किया जाएगा, इसमें जीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके कारण जो बच्चे की जो नॉलेज है वो गेन होती है। ग्रुप वर्क, ग्रुप में वर्क करना सीख जाते हैं बच्चे, आपस में बातचीत करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है लगातार ही कक्षा कक्ष में बच्चों का असेसमेंट किया जाता है। इससे जो टीचर है खुद अपना भी असेसमेंट करते हैं कि उसने जो बच्चे को समझाया है वो बच्चों को कितना समझ आया है, अगर नहीं समझ आया तो उन कारणों की खोज की जाती है, खोज करके उसका उपचार रेमेडियल करने की कोशिश की जाती है। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा फॉर्मेटिव, एंड देन उसके बाद आता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव यानी कि संकलनात्मक। सम का मतलब होता है योग, जोड़ना। ठीक है, यानी कि जो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनल जो सेमेस्टर एग्जाम लिए जाते हैं उसको ही कहा जाता है समेटिव आकलन। ये बीच बीच में नहीं किया जाता, जैसे फॉर्मेटिव तो था कक्षा कक्ष के बीच बीच में किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो समेटिव असेसमेंट होता है, जब हमारा कंटेंट, हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद ही जो बच्चों पे एग्जाम लिए जाते हैं, जैसे 3 घंटे का पेपर दे दिया उनको, 1.5 घंटे का दे दिया, जितना भी हम देना चाहते हैं प्रोजेक्ट वर्क, जो भी वर्क देना चाहते हैं, तो इसमें क्या है कि पेन पेपर टेस्ट का मोए रोल होता है, क्योंकि बच्चों को बताया जाता है इतना सिलेबस है, इतने सिलेबस में से आपका ये पैटर्न रहेगा, इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने आपने अटेम्प्ट करने हैं, 80 नंबर का पेपर होगा, तो उसी हिसाब से जो असेसमेंट है इनका किया जाता है एग्जाम के, जो लास्ट में एग्जाम होते हैं उनके अकॉर्डिंग। फीचर्स देखते हैं, पेन पेपर टेस्ट। ठीक है,
यानी कि पेन पेपर प्यास पेन की जरूरत पड़ती है। पेपर दिया जाता है बच्चे को, शीट्स दी जाती है 30 या 32 पेजेस की जितनी भी है, और क्वेश्चन पेपर दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग ही उनका असेसमेंट लिया जाता है। तो ये कंडक्ट कौन करवाता है? स्कूल कंडक्ट करवाता है हर सेमेस्टर या एनुअल सेमेस्टर, एनुअल के अकॉर्डिंग या फिर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इवैल्यूएशन इसमें कैसे किया जाता है कि जो बच्चे आंसर शीट पर क्वेश्चन जितने दिए हैं उतने अटेम्प्ट करते हैं तो उतने में से उसके कितने मार्क्स आए, इस आधार पर उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। एट द एंड ऑफ द कोर्स जब कंप्लीट हो जाता है, सेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके एंड में ही जो समेटिव इवैल्यूएशन वो किया जाता है। नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, इससे क्या है, जो नॉलेज है बच्चों की कैसे देखी जाती है, जितना उन्होंने पेपर में लिखा, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जितने उनके मार्क्स आए, उसी हिसाब से उनका असेसमेंट किया जाता है। बेसिस ऑफ असाइनमेंट, ग्रेड्स दी जाती है, या तो फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है या फिर ग्रेड दी जाती है। अगर 90% से अबव मार्क्स आते हैं तो उनको AA+ ग्रेड दी जाती है, या फिर मार्क्स या परसेंटेज के हिसाब से उनका जो एवेल्यूएशन वो किया जाता है। एंड देन टूल्स देखते हैं, टूल्स क्या है, या तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं कि आपको 50 नंबर का पेपर है, आपका 50 क्वेश्चन दे दिए, हर एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे या 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो ही करेक्ट है वो आपने फिल करना है, वो आपने टिक लगाना है। या फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप दिए जाएंगे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, टिक मार्क्स आ गए, आपके वर्ड मीनिंग आ गए, या फिर दो तीन जो लाइंस में क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं। एंड देन लॉन्ग आंसर जो 16 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 8 मार्क्स से भी लॉन्ग आंसर दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से इनका इवेल्युएशन किया जाता है। तो जो लास्ट में इनके मार्क्स आते हैं, जितने मार्क्स बच्चा लेता है उसी हिसाब से उनको ग्रेडिंग या मार्क्स के हिसाब से वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाता है, नेक्स्ट कोर्स के लिए जो भी अप्लाई करना चाहता है उसके लिए वो अप्रूव हो जाता है जितने उनके मार्क्स आते हैं। तो ये समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो वार्षिक परीक्षा या एनुअल सेमेस्टर या कोर्स के एंड में जो किया जाता है दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट, जो बीच बीच में किया जाता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। दैट्स ऑल स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल है, काफी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो अगर आपको इसका कंटेंट, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इजिली उन क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हो, और बीएड के स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसको सब्सक्राइब कर देना, अगर कोई भी आपकी क्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो।